अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जिसका टाइटल है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम स्टडी करेंगे एनिमल्स को। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, फिर एनिमल्स के कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर अवकात एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि एनिमल्स को क्लासिफाई किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जिनकी बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि एनिमल क्या होता है तो वो आपको एनिमल्स और प्लांट्स में जो ऑब्वियस डिफरेंस हैं उनके बारे में बताएगा। मिसाल के तौर पर वो कहेगा कि एनिमल्स जो हैं वो आम तौर पर मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, या एनिमल्स जो हैं वो आमतौर पर ब्रीद कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उसके मुकाबले में प्लांट्स आमतौर पर आपको सांस लेते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन बायोलॉजी में एनिमल की ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर हम देखें कि एनिमल का वर्ड आया कहाँ से है, तो एनिमल का वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से जो कि था एनिमा। एनिमा का लफ्जी मतलब भी जो है वो ब्रेथ होता है, यानी कि सांस लेना, या इसका मतलब होता है सोल। तो ग्रीक्स कहते थे कि एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सांस लेते हैं या जिनमें रूह होती है। बायोलॉजी के अंदर एनिमल की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है कि एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप्स हु ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय इंजेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये चार खूबियां पाई जाती हैं। पहली बात तो ये कि वो यूकैरियोटिक होंगे, फिर वो मल्टी सेलुलर होंगे और हेटरोट्रॉफ होंगे, और अपनी खुराक इंजेशन के जरिए से हासिल करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर पहली बात तो ये कि अगर आप एक एनिमल सेल को देखें तो उसके सेंटर में आमतौर पे आपको एक बड़ा क्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नजर आएगा। ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो तमाम एनिमल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस लाजमी होगा तमाम एनिमल के सेल्स में। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, बोन के सेल्स होते हैं और मसल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सेल्स से मिलके उनकी बॉडी बनी हुई होती है। फिर इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और इनकी बॉडीज के अंदर डाइजेस्टिव कैविटीज होती हैं, डाइजेस्टिव चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर ये फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, बड़े बड़े पीसीज में फूड को खा लेते हैं और फिर उस कैविटी के अंदर इस फूड को रख के वो डाइजेस्ट करते हैं। तो एनिमल की डेफिनेशन ये है कि एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स हु ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय इंजेशन। फिर एनिमल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो अक्सर एनिमल्स में आपको नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर तमाम एनिमल्स ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो डिवेलप होते हैं जाइगोट से। जाइगोट बनता है जब एग और स्पर्म सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, उसके नतीजे में डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन्स होती हैं और एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है तमाम एनिमल्स में, और उस एम्ब्रियो से फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाता है। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो आमतौर पर डाइप्लॉइड होते हैं। हमने देखा था कि प्लांट्स और फंजाई के अंदर ज्यादातर जो है वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं, उसके मुकाबले में एनिमल्स डाइप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनके अंदर दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एनिमल्स जो हैं उनको हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा हुआ है।
शुरू शुरू में जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो होता था तो उस वक्त एनिमल्स को दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। एक तो प्रोटोजोआ थे जो कि हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हेटरोट्रॉफिकली फूड ऑब्टेन करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको प्रोटोजोआ कहते थे, और उसके मुकाबले में मेटाजोआ जो हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे। अब प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो हैं वो एनिमेलिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एनिमेलिया के दो मेजर सब किंगडम्स थे। अब चूंकि हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हम फॉलो करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स के लिए हमने एक सेपरेट, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए हमने एक सेपरेट किंगडम बना दिया है, किंगडम एनिमेलिया। और ये जो प्रोटोजोआ थे इनको हमने उठा के एक सेपरेट किंगडम के अंदर रख दिया है जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। जो आपके ट्रू एनिमल्स हैं ये एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुए हैं, लेकिन प्रोटिस्टा के किस ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं और कब इवॉल्व हुए इसके बारे में कोई ज़्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और साइंटिस्ट इसके ऊपर अक्सर और डिबेट करते रहते हैं कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ।